बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल चिले। इसके लिए हमें चाहिए बारीक कटा हुआ टमाटर, लॉन्ग ग्रीन चिली गोल कट, पोटैटो बारीक कटा हुआ, ऑनियन बारीक कटा हुआ, कैरोट बारीक कटा हुआ, कैबेज बारीक कटा हुआ, कुछ बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ। घोल के लिए लेंगे हम चावल आटा 100 ग्राम, 300 ग्राम वाटर, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, ऑयल लेंगे 1 टेबल स्पून, हींग आधी चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला पाउडर। अब लेते हैं एक बड़ा बाउल, उसमें चावल आटा ऐड करेंगे, टमेटो ऐड करेंगे, ऑनियन ऐड करेंगे, कैबेज ऐड करेंगे, पोटैटो ऐड करेंगे, कैप्सिकम ऐड करेंगे, कैरोट ऐड करेंगे, चिली ऐड करेंगे, ग्रीन चिली ऐड करेंगे, कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ी सी हींग और पानी को ऐड करेंगे। अब सभी को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। बैटर रेडी हो चुका है। अब लेते हैं एक नॉन स्टिक तवा, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे और चारों तरफ इसे फैला देंगे। वाटर लेके स्प्रिंकल कर देते हैं। अब हम बैटर को चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। गैस को लो फ्लेम में रखेंगे, चीला को पलट देंगे। तब तक हम बना लेते हैं ब्लैक टी। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप वाटर, 1/2 टी स्पून चाय पत्ती, 2 टी स्पून शुगर, आप अपने हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, इसमें 1-2 पत्ती तुलसी की ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से धो लें फिर ऐड कर दें। इससे चाय की खुशबू बहुत अच्छी आती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो चाय बनकर रेडी हो चुका है। पिला और चाय बनकर रेडी है। आप इसे चाय के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, पिकल के साथ खा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल सकीनास किचन को सब्सक्राइब करिए।